ये था यहाँ का रिलायंस मॉल, है यहाँ का लव गार्डन, एंड ये है भीलवाड़ा का शिवाजी गार्डन। तो क्या नाचो मैं? बड़ा हरामी हो बेटा। शायद क्योंकि अभी ये खड़ी हुई है या फिर बंद हो चुकी है, तो ट्रेन भी काफी बड़ी थी, देख सकते हो आप। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोहेल और आप देख रहे हैं सोहेल के व्लॉग्स। तो वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। अभी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, मैं उठा हूँ आज 11 बजे, सुबह के 11 बज रहे हैं। तो हाँ, आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। आज हम करने वाले हैं भीलवाड़ा के विजिटिंग प्लेस पर विजिट। हाँ, तो व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहे हैं, व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप ना करें फ्रेंड्स। तो निकलते हैं विजिटिंग की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ के कुछ दार्शनिक स्थल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे सामने है दरगाह। ये यहाँ की प्रमुख दरगाह है मंसूर अली बाबा, और जो ये पास में दरगाह है ये है जनरल शाह बाबा की, और पास ही में एक मंदिर है जिसे हम कोंडा महाराज के नाम से भी जानते हैं, जो हनुमान टेम्पल है यहाँ का। तो ये है यहाँ का रिलायंस मार्ट। अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी हो तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी चलते हैं मार्ट के अंदर और बताता हूँ कैसा है यहाँ का ये रिलायंस मार्ट। तो व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहे हैं। आ चुके हैं मॉल के अंदर, बताता हूँ आपको यहाँ का व्यू। तो अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। ये था यहाँ का रिलायंस मॉल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को। तो चलते हैं नेक्स्ट विजिटिंग प्लेस की तरफ। तो व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये है भीलवाड़ा की रेलवे स्टेशन की मस्जिद, देख सकते हो आप, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है ये यहाँ पर। यह है यहाँ का लव गार्डन, जिसे नेहरू उद्यान भी बोलते हैं फ्रेंड्स। इस गार्डन के बीचों बीच भी एक तालाब है, वैसे देखा होगा आपने अधिकतर गार्डन के बीच में तालाब झीलें वगैरह रहती है, जो क्या गार्डन की या पार्क्स की क्वालिटी या फिर उसकी सुंदरता काफ़ी बढ़ा देती है। तो कुछ ऐसा व्यू है इस गार्डन का, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा गार्डन है ये भी फ्रेंड्स। इस गार्डन का एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक ट्रेन चलती है जो पूरे गार्डन का राउंड लगाती है। आपको बताता हूँ मैं आगे, ये देख सकते हो फ्रेंड्स आप, मेरे आगे ही खड़ी हुई है ये ट्रेन, जो इस पूरे झील का राउंड लगाती थी शायद, क्योंकि अभी ये खड़ी हुई है या फिर बंद हो चुकी है। तो ट्रेन भी काफ़ी बड़ी थी, देख सकते हो आप। और ये है यहाँ पर एक छोटी सी लेक, जिसके किनारे पर ये गार्डन बनाया हुआ है फ्रेंड्स। चलते हैं यहाँ से और चलते हैं दूसरी विजिटिंग प्लेस की तरफ भीलवाड़ा के फ्रेंड्स। ये है यहाँ का शिवाजी गार्डन, जो कि है आरसीवीएस कॉलोनी के अंदर। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो देखते हैं इसको कैसा क्या व्यू है यहाँ का। तो व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहें। तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का,
यहाँ पर भी बीच में लिखा हुआ है आई लव भीलवाड़ा, और इस गार्डन के बीचों बीच में एक फाउंटेन है जिसके अंदर होती है वोटिंग। तो दिखाता हूँ मैं आपको एक प्यारा सा व्यू उस फाउंटेन का। तो ये है कुछ बेस्ट प्लेस विजिटिंग के लिए भीलवाड़ा के अंदर। वैसे काफ़ी बेस्ट प्लेसेस है, लेकिन हाँ भीलवाड़ा सिटी के अंदर अगर आप आते हो तो यहाँ पर ये घूमने के लिए बेस्ट प्लेस है। वैसे अगर देखा जाए तो पास में यहाँ पर चित्तौड़ का फोर्ट भी है जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर लोकेटेड है, और इसी के अंदर एक मेनाल का फॉल भी आता है, और काफ़ी सारे प्लेस है घूमने के लिए। तो ये है वो फाउंटेन, वाटर फाउंटेन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है गिरते हुए, देख सकते हो आप फ्रेंड्स। जो क्या इस पार्क की खूबसूरती को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। वोटिंग होती है रात के टाइम पे, वैसे अभी तो कोई है ही नहीं, मैं इवनिंग टाइम पे आया हूँ इसलिए। फ्रेंड्स ये है भीलवाड़ा का शिवाजी गार्डन, आप देख सकते हो मेरे वजह ये फाउंटेन है कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे भीलवाड़ा के कुछ विजिटिंग प्लेस, बेस्ट विजिटिंग प्लेस। अगर आप भीलवाड़ा में विजिट करते हो तो इन प्लेस पर जाना ना भूलें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो ऐसी ही मैं इंटरेस्टिंग सी वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए बाय गाइज़।